अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिस्कशन सेशन ऑफ इंटेंसिव प्रोग्रामिंग। आज हम लेक्चर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 10 के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो जिन बच्चों का आवाज़ साफ ना आ रही हो तो वो फिक्र ना करें, सेशन रिकॉर्ड होगा और ये रिकॉर्डेड सेशन जो है मैं बाद में अपलोड कर दूँगा। तो वन बाई वन मैं आपके क्वेश्चन को जो है आंसर करता हूँ। तो पहले एक समराइज में आपको बता दूँ कि जो पहला लेक्चर लिंक था, यानी कि लेक्चर नंबर 9 है, उसमें जो है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट टाइटल में लिखा हुआ है। लेकिन ये टाइटल जैसे कहते हैं कि प्रोग्राम्स के जब टाइटल या वीडियो लेक्चर्स के टाइटल डाले जाते हैं, उस दौरान जस्ट मैंने टाइटल में डाला है। बाकी सिर्फ ये टाइटल में जो वर्डिंग होती है, ज़रूरी नहीं है कि अंदर सिर्फ उसी चीज़ का प्रोग्राम हो, उससे हट के भी डिटेल हो सकती है और उस टाइटल से हट के भी जावा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी डिटेल्स हो सकती हैं। तो खैर, इसमें मल्टीपल इफ हो चाहे नेस्टेड इफ हो, जो मैंने एग्जांपल्स इसमें प्रोग्राम्स परफॉर्म कराए हैं, उसका मेन मकसद सिर्फ यही होता है कि सेशन अपलोड हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। बस आप अपनी अटेंडेंस जो है इंटर करें और सेशन को जो है इसमें जितने भी क्वेश्चन वगैरह अगर आपके हैं तो वो भी आप अपलोड करें। मैं डिस्कस कर रहा था कि नेस्टेड इफ एल्स के हवाले से प्रोग्राम, इसमें जो है मल्टीपल इफ एल्स हो चाहे एल्स इफ हो, और अगर बार बार नेस्टेड इफ हो चाहे कोई भी हो, जब आप सिंपल एक इफ कंडीशन से भर के दो या तीन या इससे ज़्यादा कंडीशंस डालते हैं, या मल्टीपल यानी कि आप कंडीशंस के थ्रू कोई स्टेटमेंट्स वगैरह को एग्जीक्यूट करते हैं, मल्टीपल डिसीजन लेना चाह रहे होते हैं, उस दौरान जो कोडिंग वगैरह लिखते हैं तो उस ओवरऑल कोडिंग को नेस्टेड ही कहा जाता है। तो उसके बाज बुक्स में जो है मल्टीपल इफ एल्स उसको कह देते हैं, बाज बुक्स में जो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कह देते हैं, और बाज बुक में जो है वो इफ एल्स स्टेटमेंट्स की जो है क्या लेके मल्टीपल लेटर स्टेज और इस तरह की वर्डिंग वगैरह यूज़ करते हैं। तो खैर, इस टॉपिक्स की जो टाइटल या इसके नेस्टेड के ऊपर डिस्कशन को छोड़ के हम इसकी डिटेल में चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो बच्चों ने पूछा है, पहला क्वेश्चन है लिंक नंबर 1, टाइम है 11:52। पे क्वेश्चन ये है कि जी हमने रीडर डॉट नेक्स्ट यूज़ किया है, तो ये रीडर क्यों यूज़ किया है, रीडर क्या है? तो डोंट वरी, ये बेसिकली ऐसे है जैसे अगर आपने फंक्शन C++ के पढ़े हों तो उसमें एक एक्चुअल पैरामीटर होता है और एक फॉर्मल पैरामीटर होता है। तो ये जो स्कैनर क्लास को जब हम इम्पोर्ट करते हैं, इंक्लूड करते हैं अपने प्रोग्राम में, तो इस स्कैनर क्लास का एक कह लें कि फर्जी तौर पर जो है फॉर्मल पैरामीटर बनाया जाता है, फॉर्मल वेरिएबल बनाया जाता है। तो ये रीडर जो है, स्कैनर रीडर इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये इसका एक किस्म का हमने जर्नल सा एक नेम रख दिया। ये जो जर्नलाइज हमने इसका नेम रखा है, इसको फर्दर हमारे एक्चुअल पैरामीटर जिसका हमने एक्चुअल वेरिएबल का नाम रखा है नम, इस नम को वैल्यू असाइन करने के लिए, अगर हमारे पास ये नम इंटीजर टाइप का है तो इंटीजर टाइप की वैल्यू असाइन करने के लिए जो है हम रीडर डॉट नेक्स्ट इंट लिखेंगे। उससे क्या होगा कि जो ही आउटपुट स्क्रीन पे ब्लिंकिंग होगी, जब इंटर नंबर लिखा होगा उसके बाद ब्लिंकिंग हो रही होगी, या उसके बाद जो ही आप कोई नंबर इंटर करेंगे नेक्स्ट लाइन पे, तो वो बेसिकली क्या होगा, हमारे नंबर जो नम वेरिएबल है उसके अंदर वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। देन उस वैल्यू को जो है रिमाइंडर के थ्रू कैलकुलेट किया जाएगा और रिमाइंडर चेक किया जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो
नंबर इवन है, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा तो इसका मतलब है नंबर ऑड है। ये सिंपल सा एक लॉजिक है इवन ऑड फाइंड करने वाला। तो रीडर वाला क्वेश्चन आई होप आपका आंसर आपको मिल गया होगा, और यही सेम क्वेश्चन काफ़ सारे बच्चों ने पूछ लिया था, तो आई होप सबको आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, लिंक नंबर जो वीडियो लिंक वन है इसमें 745 पे क्वेश्चन है जी। तो 745 पे क्वेश्चन क्या है जी, सर मैं कंपाउंड स्टेटमेंट इफ के बाद हमने यूज किया और हमने एल्स के बाद जो है भी यूज किया। ये वही क्वेश्चन है सेम है कि जी इफ एल्स स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स, तो उनकी डिटेल्स में ज़्यादा इनके टाइटल्स पे जाने के बजाय आप लॉजिक पे ध्यान दें। अगर आपको एक से ज़्यादा कंडीशंस इंटर करनी पड़ जाएं तो आप किस तरीके से कोडिंग लिखेंगे, तो वो एक एग्जांपल, दो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे परफॉर्म की है। मज़ीद आप इंटरनेट से जो है एग्जाम्पल्स देख के अपना जो है नेटबीन्स सॉफ्टवेयर पे वो एग्जाम्पल्स जो है परफॉर्म करें। उससे रिलेटेड कोई भी मजीद क्वेश्चन हो तो या तो कमेंट में लिख दें, या फिर आई होप कि आपको जो है जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे नेस्टेड के हवाले से और इफ एल्स या मल्टीपल कंडीशंस के हवाले से। मजीद मैं आपको बताऊं कि नेस्टेड इफ एल्स या मल्टीपल कंडीशंस वगैरह को अगर आपको इफ एल्स स्टेटमेंट वगैरह या नेस्टेड इफ एल्स वगैरह के जरिए से समझ नहीं आती तो कोई मसला नहीं, आप स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करें। स्विच स्टेटमेंट भी यही काम करती है, स्विच स्टेटमेंट बल्कि इससे ज़्यादा बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो स्विच स्टेटमेंट के थ्रू कैलकुलेटर बना हुआ है, उसके थ्रू स्विच स्टेटमेंट को भी समझ सकते हैं आप आसानी से, और कैलकुलेटर बनाना कैसे होता है वो चीज़ भी आप आसानी से समझ सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको रीड कर लेता हूँ। लिंक नंबर टू में है जी 1215 पे क्वेश्चन, 1215। ये एक ही बच्चा जो हसीब है ये लेक्चर माशाल्लाह अच्छे तरीके देखता रहता है, एक और कोई हाफिज अरसलान है मेरा ख्याल, वो भी वीडियो लेक्चर देखता रहता है, क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आज अरसलान जो है ऑनलाइन नज़र नहीं आ रहा मुझे। एनी जो बच्चे जो है साथ साथ स्टडी करते रहें तो अच्छी बात है, अगर इंटरनेट का मसला है और बाद में वो वीडियो लेक्चर देखें तो भी कोई बात नहीं है, कोशिश करें अटेंडेंस आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जितनी वो आप खड़ी करें। अच्छा जी, क्वेश्चन है जी 1215 पे कि हम किसी भी वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यूज़ किया करते थे, तो यहाँ पर हमने प्रिंट एलन की बजाय सिंपल प्रिंट लिखा है। तो मेरा ख्याल है अगर आप ये प्रीवियस वाली एग्जांपल जो है ये लेक्चर नंबर 7 में प्रिंट मेथड और प्रिंट एलन मेथड इन दोनों में डिफरेंस क्या है इससे रिलेटेड जो है लेक्चर नंबर 7 में डिटेल मैंने बताई हुई है कि अगर आपने सेम लाइन पे जो है आउटपुट डिस्प्ले करनी हो तो सिंपल प्रिंट लिख देते हैं, अगर नेक्स्ट लाइन पर प्रॉपर आउटपुट डिस्प्ले करनी हो, प्रॉपर डिस्प्लेइंग स्ट्रिंग एक्टिविटी परफॉर्म करनी हो तो प्रिंट एलन लिखते हैं। तो यहाँ पे हम इंटर नंबर 1 है, नंबर 2 जो है इसको एक ही लाइन पे अगर आप प्रिंट करना चाह रहे हैं तो प्रिंट लिख दें, प्रिंट एलन लिख दें, फिर भी आउटपुट स्क्रीन पे आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। लिंक 2 में 1030 पे जो है लॉजिक समझ नहीं आया, रोल नंबर 156 इसका जो है क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो करेक्टर एट लिखा हुआ है ये एक बना बनाया मेथड है, फंक्शन है। इस फंक्शन के ज़रिए से क्या होता है कि आप यूज़र से जो भी करेक्टर वैल्यू इंटर करा रहे हो या यूज़र से कीबोर्ड से कोई भी बटन प्रेस किया जाए उसको जो है ये करेक्टर एट जो फंक्शन है मेथड है ये इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और रिकॉर्ड करके हमारे वेरिएबल के पास स्टोर करा देते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल ऑपरेटर दिया हुआ है, ऑपरेटर के पास ये स्टोर करा देते हैं।
इसी तरीके से अगर हम करेक्टर एट जीरो की बजाय वन लिख दें यहाँ पे, तो फिर क्या होगा कि कीबोर्ड से जो आप पहला बटन प्रेस करेंगे उसको वो इग्नोर कर देगा, दूसरा बटन प्रेस करेंगे तो वो उसको काउंट कर लेगा। सपोज के मैं हमाद लिखता हूँ, एच ए डबल एम ए लिखता हूँ, तो वो एच को काउंट नहीं करेगा, ए जो सेकंड होगा ए उसको काउंट कर लेगा। एक चीज ध्यान में रखें कि आपको जितने भी प्रोग्राम्स एग्जांपल्स में परफॉर्म करा रहा होता हूँ, उन प्रोग्राम्स को अगर आप डायरेक्ट खुद से टाइप करें अपने कंपाइलर पे और उन एग्जांपल प्रोग्राम्स को परफॉर्म करके आउटपुट स्क्रीन डिस्प्ले कर लें, तो उससे रिलेटेड काफ़ी सारे आपके क्वेश्चन जो हैं वैसे ही क्लियर हो जाए करें। तो आज मैंने जो है वीडियो जो लेक्चर लिंक्स हैं थोड़ा सा लेट आप लोगों को अपलोड किए हैं, तो नेक्स्ट टाइम जो है मैं लिंक अपलोड करूं या ना करूं, सेशन स्टार्ट होने से पहले आप जो है अगले दो लेक्चर जो हैं वो लाजमी देख लिया करें, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो वो अपलोड करना स्टार्ट कर दिया करें। अच्छा जी, अब गर्ल्स के ग्रुप में से देखता हूँ क्वेश्चन, उन्होंने क्या क्या क्वेश्चन पूछा हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तहरीम ने पूछा हुआ है 1250 पे के वेरिएबल रीडर, तो रीडर वाला मैंने आंसर दे दिया है, तो मज़ीद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। अच्छा, जिनके क्यूरीज हैं क्वेश्चन हैं, मैं एक दफ़ा पहले जो रिटर्न में मेरे पास क्वेश्चन आए हैं उनके आंसर दे लूं, उसके बाद जो भी आपने पूछना हो एंड पे मैं जो है आप लोगों को अनम्यूट कर दूंगा, फिर आप लोग पूछ लीजिएगा जो भी क्वेश्चन हो, और एहतशाम आप भी वेट कर लें, डोंट वरी, आप तो जो भी क्वेश्चन होगा मैं आपको क्वेश्चन सुन के उसका आंसर दे दूँ। फिलहाल जो ऑलरेडी क्वेश्चन रिकॉर्डेड हैं उनका मैं आंसर दे दूँ। सादिया मकसूद, नेक्स्ट क्वेश्चन सादिया ने पूछा है, लिंक नंबर टू में यूज़र से इनपुट लेने के लिए आपने कैलकुलेटर बनाया ही है, तो हम इनपुट यूज़र से लिए बिना भी प्रोग्राम बना सकते हैं? जी, वाकई बना सकते हैं, स्विच स्टेटमेंट के बगैर भी कैलकुलेटर बना सकते हैं। काफ़ सारे तरीक़ेकार हैं कैलकुलेटर बनाने के, आप चाहे स्कैनर यूज़ करें या डायरेक्ट वैल्यू इनपुट करा दें, चाहे स्विच स्टेटमेंट यूज़ करें या ना करें, हर तरीके से कैलकुलेटर बन सकता है। तो आप जितना भी प्रोग्राम में चेंजेस करना चाहें तो चेंजेस करके आप प्रोग्राम बनाएं, उस पर एग्जीक्यूट करें, और फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन आए या कोई नया क्वेश्चन रेज हो तो आप कमेंट में पूछ लें, तो मैं आंसर दे दिया करूँगा। नेक्स्ट रोल नंबर 128, उसका क्वेश्चन है जी 10-12 लेक्चर नंबर 9 पे, 10-12 10-12 में जी स्टेटमेंट एग्जांपल में इफ एल्स इफ की कंडीशन है, बट नेस्टेड में तो हम इफ की बॉडी में एक और इफ और फिर उसमें एक और इफ लगाते हैं, तो ये टाइटल वाला ये आंसर मैंने ऑलरेडी दे दिया है कि क्वेश्चन जो सब इसके लेक्चर के टाइटल्स पे ना जाएं, बस आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स को यूज़ करने से रिलेटेड प्रोग्राम अगर आपको करने पड़े तो उसका सोल्यूशन जैसे मैंने अपलोड किया एग्जाम्पल के फॉर्मेट, इसकी फर्दर जो है अच्छे तरीके अगर आप इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो स्विच स्टेटमेंट वाला जो नेक्स्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर 10 उसको डिटेल में देख लें, तो उसमें आपको काफ़ सारी चीज़ें काफ़ सारे आइडियाज़ क्लियर हो जाए। तो मैं सेशन को ओपन करता हूँ, आपके मज़ीद जो भी क्वेश्चन हैं आप लाइव पूछ सकते हैं।